सो एज रिक्वेस्टेड बाय मोस्ट ऑफ यू पीपल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स का एनालिसिस मैं यहां पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं तो पहला जो स्टॉक आज हम कंसिडर करने वाले हैं एनालिसिस के लिए वो है अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड सेवन पॉइंट एनालिसिस मैं प्रेजेंट करूंगा जिसमें अडानी ग्रुप का टोटल पोर्टफोलियो कैसा है उसके बारे में बात करेंगे मतलब बिजनेस पोर्टफोलियो देन अडानी ग्रुप के वैल्यूएशन पे बात करेंगे लास्ट वन ईयर में क्या क्या चमत्कार हुए हैं अडानी ग्रुप में डानी एंटरप्राइजेस का बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है उसके बारे में बात करेंगे फोर्थ uh, पॉइंट रहेगा अर्निंग्स विजिबिलिटी ऑफ सब्सिडरीज ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैल्यूएशन पे बात करनी है आगे जाके हमें देन अडानी एंटरप्राइजेस एग्रो बिजनेस में भी है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे एक स्लाइड में सिक्स पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की रिस्क क्या क्या है अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड में एंड सेवेंथ पॉइंट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज वैल्यूएशन कैसा रहेगा तो उसके बारे में बात यहां पे मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं सो अडानी ग्रुप की अगर हम बात करते हैं सो आई थिंक सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी पोर्टफोलियो अडानी ग्रुप के पास जिसमें छह कंपनीज लिस्टेड कंपनीज है uh, जिसमें फर्स्ट वन इज अडानी पोर्ट्स एंड एसीजेट्स सो जहां पे पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स मैनेज किया जाता है जिसमें अडानी uh, जो प्रमोटर्स है उनका 63.74 परसेंट का स्टेक है देन द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ अडानी ग्रुप दैट इज अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड जिसमें अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग भी आता है हंड्रेड परसेंट है अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड हंड्रेड परसेंट सब्सिडरी अडानी वाटर लिमिटेड हंड्रेड परसेंट सब्सिडरी एंड अडानी डेटा सेंटर आल्सो हंड्रेड परसेंट सब्सिडरी तो ये अडानी एंटरप्राइजेस के अंडर आते हैं बाकी चार कंपनीज है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड सेवेंटी का स्टेक है अडानी प्रमोटर्स का इसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में है यह अडानी ग्रीन एनर्जी पे जो चल रहा है ना, जो हमने एक में देखा था। ये वही स्टॉक है जिसमें 75 परसेंट की इन्वेस्टमेंट अडानी प्रमोटर्स की है तो ये ओवरऑल ग्रुप के उनके कंपनी लिस्टेड कंपनी हमने बात किया अब रिसेंटली क्या न्यूज़ आई भाई अडानी ग्रुप एस हंड्रेड बिलियन डॉलर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन तो यहां पे हर एक कंपनी कैसे ग्रो की है इसके बारे में बात करेंगे सो कैपिटल लाइन से ये हमने इन, इन्फोग्राफिक लिया है सो अडानी टोटल गैस लास्ट ईयर थर्ड ऑन थर्ड ऑफ दिसंबर टू इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था नाइन थाउजेंड करोड़ रुपीजी है वन पॉइंट थ्री टू लाख करोड़ रुपीज Adani Enterprises, 14,000 crore rupees market capitalization and now it is at 1.35 lakh crore rupees. Then Adani Green, 24,000 crore rupees of market capitalization and now it is at 1.87 lakh crore rupees. Adani Transmission, 21,000 crore rupees of market capitalization and now it is 1.22 lakh crore rupees. Adani Power, 1,000 crore rupees of market capitalization and now it is uh, 3800 crore rupees. Uh, then... Uh,

या फिर प्रमोटर्स की वी डोंट नो सो अडानी बिकम्स थर्ड इंडियन कांग्लोमरेट टू सपा हंड्रेड बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके पहले टाटा ग्रुप का है टू फोर्टी टू बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज हंड्रेड एंड नाइन्टी बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड अडानी ग्रुप वन जीरो सेवन बिलियन डॉलर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एच डी एफ सी आई एम नॉट इंक्लूडिंग ओवर हियर बिकॉज ये एच डी एफ सी मतलब ऐसा कोई प्रमोटर नहीं है मतलब यहाँ पे टाटा ग्रुप में रतन टाटा जी एंड टाटा फैमिली है रिलायंस इंडस्ट्रीज में अंबानी फैमिली है वैसे अडानी ग्रुप में अडानी फैमिली है बट एच डी एफ सी वगैरह में कोई ऐसा प्रमोटर फैमिली नहीं है सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप ऑल टूगेदर दैट्स वॉट आई फील सो ये तीसरी कंपनी है जो हंड्रेड बिलियन डॉलर प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर चुकी है नाउ अडर एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो है रिसोर्सेज में जिसमें माइनिंग सर्विसेज आती है इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट आता है तो ये रिसोर्सेज बिजनेस में आता है देन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में एयरपोर्ट्स रोड्स रेल मेट्रो ये आता है यूटिलिटी में वॉटर एंड डेटा सेंटर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स में सोलर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो, डिफेंस, ये सारी चीजें आती है तो हर जगह पे पे अडानी ग्रुप यहाँ प्रेजेंट नजर आ रहा है और ऐसा मार्केट वैल्यूएशन मिल जाएगा तो पैसा रेज करना कौन सी बड़ी बात होगी दैट्स वॉट आई फील नाउ अडानी एंटरप्राइजेस का जो अर्निंग विजिबिलिटी है सो so उसके ग्रुप का उसके बारे में थोड़ा साउजेंड ट्वेंटी so

टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अडानी एयरपोर्ट्स ने ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव परसेंट स्टेक एक्वाइर किया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेंचास साल के लिए दे गॉट अंडेड टू मॉडरनाइज एंड ऑपरेट सिक्स एयरपोर्ट जिसमें अहमदाबाद आता है लखनऊ आता है मंगलुरु आता है जयपुर आता है गुवाहाटी आता है एंड त्रिवेंद्रम आता है पचास साल के लिए उनके हाथ में है ये मॉडर्नाइज करने के लिए और उसको अच्छी तरीके से मॉनिटाइज भी वो कर पाएंगे दैट्स आई फील देखते हैं कैसे क्या चीज होती है अडानी रोड ट्रांसपोर्ट्स लिमिटेड अप्रैल सेकंड 2021 रीसेंट रिसेंट रोड प्रोजेक्ट्स वन फ्रॉम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ 1169 करोड़ इन ओडिशा उन्होंने अभी जीता है. और इसी के चक्कर में थोड़ा सा स्टॉक भी भागा था अडानी एंटरप्राइजेस बिल्ड टू बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर ट्रांसफर टोल बेसिस रोड प्रोजेक्ट ऑफ ऑफ करोड़ इन द स्टेट वेस्ट बंगाल वन विद प्रोजेक्ट्स अडानी ग्रुप विल हैव एन एच ए आई रोड प्रोजेक्ट्स अंडर हाइब्रिड एन मॉडल टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल टोल बेसिस तो ये अलग अलग मॉडल्स होते हैं जिसमें uh, मतलब यहाँ हाइब्रिड एन्यूटी मतलब गवर्नमेंट को भी मिलेगा कंपनी को भी मिलेगा टोल पहले टोल फिर ऑपरेट एंड ट्रांसफर फिर एक बार उनके पैसे निकल गए आर uh, मिलके तो वो निकल जाते हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर इज ऑल्सो काइंड ऑफ द सेम थिंग सो यहाँ पे छत्तीसगढ़ तेलंगाना आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश केरला गुजरात वेस्ट बंगाल ऐसे अलग अलग स्टेट्स में इनको प्रोजेक्ट्स मिले सो अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड सेड इट वुड कंटिन्यू टू इवेल्यूएट एंड बिड फॉर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो यहाँ पे भी एक एग्रेसिवनेस अडानी ग्रुप की तरफ से देखा जा रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बट आई थिंक अभी तक ऐसा कुछ फाइंड आउट तो हुआ नहीं है सो लेट सी बट ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा एक्सपोरेंशियल हो गई है ऐसा मुझे लगता है डानी विल्मर लिमिटेड तो एग्रो बिजनेस में भी अडानी एंटरप्राइजेस इसी नाम से एंटर uh, हुआ है सो फिफ्टी फिफ्टी ज्वाइंट वेंचर है सिंगापुर की कंपनी है एशियाज लीडिंग एग्री बिजनेस ग्रुप है यह सो so, उन्होंने एडब्ल्यू एल इज इंडियाज लीडिंग कंज्यूमर एडिबल ऑइल एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड एंटिटी फॉर्चून ब्रांड के बारे में आपने सुना होगा आई थिंक अक्षय कुमार जी एंड सौरभ गांगुली जी दोनों इसका प्रमोशन करते थे ट्वेंटी uh, परसेंट का मार्केट शेयर है आफ्टर हार्ट अटैक मेरे हिसाब से सौरभ गांगुल इज नॉट डूइंग नाउ द इज नॉट द ब्रांड ब्रांडर दैट्स वॉट आई फील अगर अब मैं गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो So, इसके रेवेन्यू की अगर हम बात करते थर्टी वन परसेंट से ईयर ये ऑन ये ईयर ये थर्ड क्वार्टर में ग्रो हुआ है फ्रॉम फोर पॉइंट थ्री फोर परसेंट सो वन पॉइंट टू परसेंट का मार्जिन यहां पे डिक्रीज हुआ है एबिटा मार्जिन मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज इन्फ्लेशन इन द की रॉ मटेरियल्स सो लेट्स सी इसके जो की कंपिटिटर्स है वो सफोला है बाय मारिको ट uh, uh, तो की वैल्यू ग्रोथ यहाँ पे हुई है सो दैट इज मतलब कंपेयर टू आई थिंक फॉर्चून इट इज ग्रोइंग बेटर की रिस्क ये है मेन पॉइंट अब यहां पर ध्यान देना है आपको क्योंकि ये रिस्क एंड वेल्युएशन के बारे में हम बात करने वाले है सो अडानी के सारे स्टॉक्स अडानी का इंटरप्राइजेस ऑल्सो इज ट्रेडिंग एट यूफोरिक वैल्यूएशन और ये कितना कंटिन्यू होगा वी डू नॉट नो वाई आई आई टेड यू फर्स्ट डेट टू इक्विटी रेशो, द डेट टू इक्विटी रेशो इज पॉइंट सेवन थ्री ठीक है लेस देन वन का डेट टू इक्विटी रेशो है बट जब भी कभी डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है सो देन वॉट वी नीड टू सी इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हमने देखा माइनिंग से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके रोड से लेके एयरपोर्ट से लेके आई थिंक हर जगह पे आई थिंक कैपिटल इंटेंसिव ये इंडस्ट्री है सो so 1.7 का 71 का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है कभी भी आप अगर देखोगे तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो होती है उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो शुड बी मोर देन टू 2.5 भी मतलब इट्स लाइक अ रेड फ्लैग रेज होना चाहिए उसके ऊपर ही होना चाहिए काफी कंफर्टेबल होना चाहिए बट यहाँ पे ये यह 1.71 है नॉट अ गुड साइन अगर रिटर्न रेशियोज की हम बात करते हैं तो 9.73 परसेंट का आर है एंड 5.03 परसेंट का आर है तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे यहाँ पे ये यह खरा नहीं उतरता है नाइन एंड फाइव सो दैट्स वाई इट रिटर्न रेशियोज आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव स बाई प्रस टू रेज मनी आउट ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ प्रमोटर्स होल्डिंग प्लेज परसेंज जो है वो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स परसेंट है नॉट पॉजिटिव साइन सो ओवरऑल आई थिंक ये बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टर्स का बेट होना चाहिए और दैट टू उनको बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि कैसे अडानी ग्रुप काम करता है अडानी को मतलब हाउ दे नो दीटिग्रिटीज ऑफ द बिजनेस इफ यू आर अम एन रिटेल इन्वेस्टर लाइक अस हम तो अवॉइड करेंगे दैट्स वॉट आई फील ये स्टॉक के साथ तो क्लियर मुझे वही नजर आता है बिकॉज अगर लास्ट साल साल का सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो माइनस एट परसेंट है लास्ट थ्री इर्स का नाइन परसेंट फॉल है पैट ग्रोथ एक्चुअली नहीं है फोर्टी फाइव परसेंट से पैट तो डिक्रीज हुआ है लास्ट ट्वेल्व में थ्री तीन साल का फाइव परसेंट से इंक्रीज हुआ है एंड पांच साल का टेन परसेंट से डिक्रीज हुआ है सो so ओवरऑल ये इतने खराब फाइनेंशियल्स होने के बावजूद स्टॉक के जो रिटर्न लास्ट वन ईयर के आई थिंक थोड़ फोर सेवन एटी नाइन परसेंट का यहाँ पे ट्वेल्व मंथ्स का रिटर्न नजर आता है हंड्रेड एंड थ्री परसेंट का रिटर्न लास्ट थ्री ईयर्स में सो समथिंग इज़ नॉट राइट दैट्स व्हाट आई फील वैल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो करंट पी रेशो इज वन एटी वन एट ज़ीरो वन ईयर का मीडियम पी अगर मैं देखता हूँ तो फिफ्टी फाइव का है थ्री ईयर्स का मीडियम पी है ट्वेंटी वन का एंड फाइव ईयर्स का मीडियम पी है नाइनटीन का तो ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली exactly क्या क्या चीज़ें ऐसी हो रही है अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये जो एयरपोर्ट का बिजनेस मिला या फिर रोड्स का जो बिजनेस मिले है कॉन्ट्रैक्ट्स मिले उसके चक्कर में आई थिंक पीपल आर हैप्पी क्या ओके यार बहुत बढ़िया क्या अर्निंग विजिबिलिटी है बट ऐसा क्या अलग करेगी कंपनी जिस तरीके से डेट बढ़ रहा है जो पहले कंपनीज नहीं कर पा रही थी आई स्टिल हैव लॉट ऑफ डाउट्स अबाउट इट सो दैट्स वाई दी अलार्मिंग यूफोरिक फोर मे नॉट सस्टेन दैट्स व्हाट आई फील बट आप लोगों को आपके एडवाइजर को पूछ के सोच सोच समझ के आपने इन्वेस्टमेंट्स करने हैं ऐसे स्टॉक्स में इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ पोर्टफोलियो रिलेटेड हेल्प तो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट इन्वेस्ट और आप हमारे रिसर्च हु किए हुए मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो सो रेडीमेड पोर्टफोलियोज है अलग अलग पोर्टफोलियोज डेवलप करके रखे हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल ग्रोथ पोटेंशियल वैल्यू पोर्टफोलियोज एस आई पी पोर्टफोलियोज म्यूचअल फंड पोटफोलियोज स्टॉक्स प्लस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज सो आई थिंक इट विल बी क्वाइट यूज़फुल फॉर यू इन योर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जर्नी तो मैं आशा करूंगा आप इन्वेस्ट इंदा डॉट इन को विजिट करेंगे एंड हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे एंड इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है कॉल कीजिए में लिखे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू टू सॉल्व योर क्वेरीज रिगार्डिंग आर रिसर्च प्रोडक्ट्स ऐसे वीडियो के लिए चैनल पर बने रही है और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों Jai Hind.